नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्कूल के दिनों में एक बच्चे ने अकबर का एक प्ले रो अदा किया और उसमें उनका जो किरदार था वो अबुल फजल का था, जो अकबर के शिक्षा मंत्री थे। उसके 25 साल बाद वो बच्चा हरियाणा प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनता है और जीवन में वो 9 चुनाव लड़े, जिनमें से 2 पर उनको जीत हासिल की। 1982 में वो हरियाणा प्रदेश से शिक्षा मंत्री रहे, फिर जब चौधरी बंसीलाल की सरकार आई तब फिर वो मंत्री उसमें रहे, उसके बाद जब चौधरी भजनलाल की सरकार 1991 में बनी तब भी वो प्रदेश में मंत्री रहे। और सिरसा हलके में या पूरी सिरसा की अगर सियासत को देखें तो चौधरी देवीलाल परिवार के बाहर किसी ने अगर राजनीतिक पहचान बनाई है तो जगदीश नेहरा जी का स्थान उनमें सबसे ऊपर आता है। आज हमारे साथ ये राजनीति की बातें करने के लिए मौजूद हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, 9 चुनाव लड़े हैं, जैसे आपने पहले चुनाव में आपके 20,000 रुपये खर्चा आया, तो ये जो 2014 वाला चुनाव था इसमें कितना आया? काफ़ी महंगे हो, बहुत अंतर हो गया। और ये तो देखो, ये तो आपका तो घर का जुगाड़ ठीक था। हाँ, जुगाड़ ठीक था तभी तो अभी तो बचे बैठे हैं। जुगाड़ ठीक ना होता तो चुटल लेरियन के खिलाफ चुनाव लड़ना मुश्किल, चुनाव कैसे लड़ते? घर का चुनाव और खेती बाड़ी का काम था। खेती बाड़ी उस समय आपके मंत्रालयों में किस तरह के, मतलब आपने देखा हो क्या, नेता लोग जो बहुत गरीबी से उठते हैं और वो 5-10 साल में इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? देखो जी, अमीर बनने का तो जो मतलब गलत बात है वो करेंगे तो ही होगा, क्योंकि मतलब बहुत सिस्टम बन जाता है मिनिस्टर होते ही। अच्छा, क्योंकि मंत्रालय हैं, उनमें उनके मुलाजम है, महकमे के काम हैं और हैं, ये ईमानदारी से करे तो देखो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कहता, और जो गड़बड़ करे तो गड़बड़ तो सरपंच भी करते हैं। एक 5 साल जो सरपंच अच्छे गांव का रह जाए तो स्कॉर्पियो में घूमने लग जाए, बस स्कॉर्पियो लेगा। पहले मारुति लेते थे, अब तो, और आप विधायक होते हुए जीप थी आपके पास। हाँ, अच्छा, उस टाइम मेरे ये था कि मैं आया अपने घर, खाना खाया, अरे उनको कह दिया रेस्ट हाउस जाओ, खाना खाओ वहाँ, यहाँ खाना तो यहाँ खाओ, और मैं अपने जीप लेके फार्म हाउस चला गया। अच्छा, खेत में मैं पानी भी लगाता था। अच्छा, मिनिस्टर होते हो, पानी लगे, पानी लगा, मेरे को क्या शर्म, मेरा काम है। आज भी बाग है हमारे, तो बागों में काम करते हैं। वहाँ के किन्नू बहुत फेमस है आपके? हाँ, हमारे बहुत है, हमारे पहले 100 एकड़ था, और फिर भाई हम अलग अलग हो गए, 4 भाई थे, 2 हमारे ताऊ जी के, 2 हमारे, अब कम से कम है, हमारे पास है, होगा 150-200 एकड़ होगा, 200 एकड़ बाग है। तेजाखेड़ा में इनके पास, चौधरी साहब के, इनके पास काफ़ी बाग है। ये तो किन्नू विन्नू भिजवाते रहते हैं। हाँ, हम भी कोई मिलने वाला है उसको भिजवाते ही हैं। अच्छा, किन्नू तो काफ़ी होते हैं, होने लग जाए तो बहुत होते हैं। मैं आपकी सेहत का राज जानना चाहूँगा कि 80 साल की उम्र में, अब मैंने अभी देखा आप पिछले 5 घंटे एक कार्यक्रम में थे, 4-5 घंटे, अब भी आप बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे कोई वो नहीं है, थकान नहीं है, तो कैसे, क्या राज है इसका सेहत का कि 80 साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में सादा खाना। अच्छा, सिंपल, मतलब दाल फुल्का और लस्सी दही घर का खाना। अच्छा, गाय गुया हमने रख रखी है, कान कून भी सही है आपके तो? हाँ, कान भी सही है, मतलब सारी चीज मेरी, दांत ओरिजिनल है, ओरिजिनल। अच्छा, 32 के 32। अच्छा, इनका भी राज है, ये दांत इसलिए है मेरे ठीक है कि मैं जब भी कोई दर्द हो तो लौंग खा लेता। अच्छा, और कोई दवाई नहीं ली कभी, ब्रश तो करते ही है। हाँ, लेकिन इधर दांत में, झाड़ू में दर्द हुआ, लौंग खा ली, बस बस, ये दांत लौंग की वजह से बिल्कुल सारे 32 के 32 ठीक दांत है, बिल्कुल देख ले। अच्छा जी, ओरिजिनल है, सिर्फ लौंग खाने से। अब लौंग खाओ, एक जिस दांत की तरफ दांत में दर्द हो तो उसके नीचे लौंग। अच्छा, ये नॉन वेज वगैरह नहीं खाया आपने कभी? नहीं खाया है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं खाता, कई साल हो गए। मैंने मंदिर बनाया। अच्छा, अपने फार्म हाउस पर। अच्छा, वो 3 एकड़ मैंने ट्रस्ट बनाया है। अच्छा, श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, ये तो नहरों का है। हाँ, मैंने अपना बनाया है, तो
वो 3 एकड़ में बहुत बहुत दरख्त लगा रखे हैं और वो ही लगाए हैं मैंने जिन जो ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर नीम है, पीपल है। हाँ, नीम या नीम की प्रजाति जी, डेक है वो है। और वहाँ मतलब पशु भी रखते हैं तो खाना, और मीट भी मैं खाता था तो कोई ऐसा नहीं भी डेली खाना। अच्छा, कभी 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 सोसाइटी ऐसी थी, कई बार सोसाइटी में आदमी खराब हो जाता है, ड्रिंक भी कर लेते थे हैं, ड्रिंक भी कर लेते ना, ड्रिंक इतनी नहीं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ मतलब खाना और कंपनी के लिए। हाँ, और मंत्री मतलब उस मंदिर का 10 मार्च 2016 को मैंने रखा नीम पत्र जी। उसके बाद अब हमारे घर में अंडा भी नहीं आता, बैन कर रखे, कोई नहीं। हमने दाल फुलके खाने हैं, सब्जी खेत से आएगी, खेत से ही दूध आएगा, हम कोई बाज़ार से कम लाते हैं, लाते तो हैं लेकिन ये कोई आ जाए और खेत से सब्जी ना आई हो तो होता ही जी, दूध ना आया हो तो तय। तो 3 गायें हैं, उनका दूध 5, 6, 18 किलो सुबह, 18 किलो शाम को आ जाता, कुछ ज़्यादा हो तो दे देते हैं। तो आप पढ़ते लिखते भी हो भी कुछ थोड़ा? हाँ, बहुत डायरी लिखता हूँ रोज की अमूमन। अच्छा, कब से लिख रहे हो? 1973 से, 1973 की डायरी मेरे पास पड़ी है भाई, मैंने सारे दिन में क्या काम किया। अच्छा जी, रोज रात को सोते टाइम लिखते लिखता हूँ। तभी आपने अपनी किताब में सिलसिलेवार सारी सिलसिलेवार क्यों मेरे पास सारी थी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डायरी 1973 से। अब बताओ 27 इक्कीस 48 साल हो, 48 साल में अब मैंने कम, अब मैं मेरे पास डायरी पड़ी है लेकिन 2-4 दिन में जैसे अब मैं जाऊंगा ना तो मैं लिखूंगा। अच्छा, डायरी। और कल परसों मैंने लिखा था कि मैं खेत गया तो आपके जो मित्र हैं चौटाला साहब, मैं तो मित्र ही कहूँगा क्योंकि राजनीति सारी आपने उनके खिलाफ की और बुढ़ापे में तो दोस्ती हो ही जानी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि 115 साल जीना है। चौटाला साहब आपको क्या लगता है, आप कितना देता है भगवान कुछ ग्रेस की, कितना 100 तो कर ही दोगे आराम से आप? नहीं, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मेरे तो इतना तो मैं नहीं, लेकिन चौटाला साहब 115 साल नहीं है। कारण क्या है कि चौटाला साहब इनका जो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, अच्छी व्यवस्था जैसे तो देवीलाल थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, पैसे आए यहाँ लगे पड़े ढेर ले जाओगे MLA को दे दिए, बांट देते, घर खर्च नहीं किया। अच्छा अच्छा, ये घर भर रहे हैं? नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए राज्य से बाहर ही हैं। बाहर आए तो ले रहे, फिर ले रहे हैं, वो खाली रहे नहीं, जो राज्य में तो दुष्यंत है अभी तो दुष्यंत, अब किसका क्या कहें, लेकिन इनके पास जो इतनी प्रॉपर्टी है, आपको पता है इन पे केस चल रहे हैं उतने कितनी कितनी है? हाँ जी, बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति के इनके चार्जशीट CBI ने करे हैं, हमने वो चार्जशीट दी थी और उसमें हमारे प्रधान थे उस सोसाइटी के शमशेर सिंह सुरजेवाला, राम सारे ही थे, मतलब उसमें मतलब ये हुड्डा भी, चार्जशीट पेश की थी, चार्जशीट रणदीप भी थे, रणदीप भी था, रण सिंह मान जी भी, रण सिंह मान भी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और उसका अपने पलवल से है ना कर्ण सिंह दलाल, दलाल साहब का तो हमने दी थी, उसी पे इनकी CBI ने इंक्वायरी की। अब तीनों के खिलाफ 600 गुना से ज्यादा है। अच्छा, 600 की शुरुआत किसने की? वो 22 की पीढ़ी पीने वाला है, आप किसका आइडिया था वो उस सारे सेट की? आइडिया तो मतलब मोटे तौर पे तो शमशेर सिंह सुरजेवाला ही थे ना। अच्छा अच्छा, वही लीडर थे वो, परंपरागत प्रतिद्वंदी थे वो भी, वो भी क्योंकि मेरे साथ लड़ते जैसे 96 में चौटाला साहब लड़े तो रणदीप के साथ खिलाफ वहाँ लड़े नरवाना से तो क्योंकि वो सुरजेवाला जी तो राज्यसभा में थे। हाँ, तो
इधर में जीतने का शक हुआ, यदि इधर भाग के आए फिर यहाँ पैसे लगाए। लेकिन नेहरा साहब, ये जो रेशियो है ना आपका चुनावी जीत का, हाँ, ये 9 में से केवल 2 चुनाव जीतना परसेंटेज के हिसाब से बहुत मुश्किल रहा है आपके। मुश्किल है, क्योंकि सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल परिवार के खिलाफ लड़ना भी अपने आप में एक बड़ा, उसका सबसे मूल कारण आप समझो, एक तो उनसे लड़ूं और एक जो मेरे साथ हैं वो पीछे, जिनको मदद करनी चाहिए वो पीछे से, पीछे से दोनों टांग खींचे, क्या करें। मतलब एक तो दलबीर सिंह थे, वो टिकट दिलाए और सारे टांग खींचे। मतलब वरना तो मैं दबने वाला नहीं था। अभी मैंने कहते हैं कि राजनेता है ना, कान के कच्चे हो जाते हैं। मैं कच्चा नहीं, आपके कानों में फर्क पड़ा है जिससे? हाँ, नहीं कच्चा मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि जो मेरे को कोई कहे आपके साथ दोस्ती है और मेरे को कहे कि वो धर्मवीर ऐसे ऐसे है, मैं यकीन तब करूँगा मेरे साथ कर ले। अच्छा, तो फर्क है खुद पे बीतेगी तो मान। हाँ, ऐसे देखो हर एक अपने अपने इंटरेस्ट से कान भर देता है जी, और जो कान का कच्चा पॉलिटिशियन होगा वो गलत होगा। कामयाब हो सकता है कोई कारण हो, पैसे ज़्यादा हो, इधर उधर ज़्यादा उनकी जाति पाति का हिसाब किताब हो, लेकिन वो बात ठीक नहीं होती। अच्छा, तो हमारे साथ ही अब होता है, जैसे राव इंद्रजीत हमारे साथ ही थे। अच्छा, लगातार 77 से, और वीरेंद्र सिंह जी हैं जी, और दूसरे ये करण दलाल तो बाद में आए जी, छत्रपाल जी भी बाद में आए, लेकिन थे हम सारे, शमशेर सुरजेवाला जी थे, एक नाम आप भूल रहे हो पानीपत से भी आपके एक दोस्त। हाँ, वो शाह साहब, शाह साहब वो भी थे, और फिर मान साहब थे करनाल से। आपको उनसे मिल के आना चाहिए, 5 साल से बिस्तर पे हैं। ओहो, मैं कल ही मिल के आया हूँ। वो बहुत अच्छा, उन्होंने आपको याद किया जब मैंने बताया ना, तो उन्होंने आपको याद किया। अब के जाऊँगा तो मैं पानीपत मिल के आऊँगा, क्यों वो हमारा काफ़ी अच्छा तालमेल है। 5 बार विधायक बने, उनके पीछे जो भाई था ना बुल्ले सर, वो तकड़ा था, बलवीर पाल शाह और बुल्ले शाह दोनों पर, वो तकड़ा था, काम करता था। तो अब वो बैठ के मिल लेते हैं, बैठते हैं। हाँ, ये ठीक है उनका, मतलब बोलने का ठीक है, बाकी नौकर चाकर रखे हुए हैं, उठ नहीं पाते बिस्तर से वो। अच्छा, तो वो जो बिस्तर ऐसे अस्पताल में घुमाते नहीं, उठ जाता है ऊपर। मैं करके आया इंटरव्यू उनका संडे को। अच्छा, नहीं वो हमारे उस टाइम के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वो, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम थे जब हम दिक्कत में थे। अच्छा, और वो कालाबाड़ी से मैंने पैदल यात्रा एक और की थी चुटाला। अच्छा, तो उसको झंडी दिखाने वाले कालाबाड़ी से करी थी, वो थे बलवीर पाल जी। अच्छे, बहुत अच्छे आदमी, उनके पिताजी भी अच्छे आदमी थे। हाँ, कुमत राय जी, वो भी विधायक रहे। हाँ, विधायक रहे उनके, इनके पहले इतना चलन नहीं था जी पैसे पूसे कमाने का। हाँ, ये मेरे ख्याल से आया, ये चुटाला परिवार का ही ज्यादा है चक्करबाजी, क्यों इनका ही मतलब है इनको कोई। जैसे आपने बताया कि देवीलाल जी तो जितना धन आता था वो खर्च कर दिया करते, तो ये रखने वाला कौन होगा फिर? यही है, और कौन? अब इतना ये सारी जगह, प्लाट हैं, कोठियां हैं, फार्म हाउस है, वो तेजाखेड़ी की जमीन से तो नहीं। उतनी जमीन तो आपके जमीन पास हमारे पास भी है, हम क्या मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन मतलब उनका रवैया और है, हमारा रवैया और है। अब भी अब उनको क्या कहें, हम कहें भी आप ऐसा ना करो तो मानने वाले थोड़े ही, नहीं को बच्चे ही नहीं सुनते। हाँ, आजकल तो बच्चे ही नहीं सुनते, लेकिन बस साधन का मतलब पैसे का मतलब जीत। वो जो खर्च करता है वो उसको मिलते हैं, क्योंकि समाज में बुराइयां भी हैं और बुराइयों के साथ ज़रूरत भी। अब गरीब आदमी है और उसको 5,000 रुपये वोट के मिल जाए, 6 जने हैं तो ले ले 30,000 में उसकी आर्थिक दशा ठीक होगी। अब ये
ये जो हमारे प्रजातंत्र का है ये कुरूप है, गलत है, और इसी से जो गलत आदमी है वो आगे आते हैं। तो आपको कभी पड़ी नौबत ये पड़ी वोट वोट खरीदने की? ना, वोट मैंने नहीं खरीदे। अच्छा, वोट ना ही खरीदने का ही तो मैं भुगतान कर रहा हूँ। अच्छा, वोट नहीं खरीदी, एक दफ्तर में मैंने दारू नहीं पीने दी। अच्छा, नो, कोई दारू पीता है तो कहीं और जाके पी ले, दफ्तर में बिल्कुल नहीं। और जो बुनियादी करेगा, जो प्रचार करेगा, गाड़ी चलाएगा, जो पोस्टर लगाएगा, वो भी दारू नहीं पीएंगे। ना, औरों के देखते हैं बुरा हाल है, देख के तो हमें तो शर्म आती है। अब तो नरा साहब विधायक का चुनाव ही 3-4 करोड़ में लड़ा जाता है। हाँ, तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपने भी लड़ा है 14 का, आपको भी पता होगा पता कितना महंगा चुनाव। मेरे सामने कांडे का भाई था गोविंद, हाँ, रानिया से लड़ रहे थे। हाँ, उस टाइम तो मेरे को पता है क्या स्थिति थी। तो ऐसे ही हैं जो गलत आदमी है जी, वो समाज का भला नहीं कर सकते। समाज का भला वो ही करेगा जो ठीक आदमी, और जो भ्रष्टाचार ना करे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो कैसे समाज के लिए क्या कर देगा? भला नहीं करेगा वो, पहले तो हाँ कहेगा जरूर, खर्चड़े कमाओगा जी। हाँ, नहीं कहेगा जरूर, मैं आपका भला कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी बहुत चलती है तो किसी की गली बना देगा, किसी का खाड़ बना देगा। ये बातें तो आपके सिरसा में तो ज़्यादा जीतते हैं लोग पैसे के बल पे। तो ये सारे ऐसे ही हैं जो हम, इसीलिए तो हम बैठे हैं। अब हमारा तो जोर नहीं चलता। लोगों को कहते भी बहुत हैं, लेकिन कहते हैं यार ये ठीक है। ठीक क्या है, ऐसे ही है, हर एक का कोई ना कोई मतलब है। अब मैं तो बनूँ तो मैं मिनिस्टर बनूँ, और वो ही बड़ी मुश्किल से पीछे टांग खींच सकते, और वो बने तो वो चीफ मिनिस्टर बने, तो लोग तो चीफ मिनिस्टर की तरफ जाएंगे। और मेरी टांगे एक टांग खींचे ना तो भी कोई बात नहीं, दोनों खींचे तब दिक्कत आती है, तब गिरते हैं, तब गिर जाता है, फिर मुंह के बल पड़ता है, क्यों दोनों गिरते ही मुंह। चोर देवीलाल तो प्रेम भाव ही रखते थे सबसे, चोर देवीलाल उनका तो आपसे कोई विरोध नहीं रहा होगा? नहीं, विरोध तो फिर वो ही इनको फिर गाइड करने लगे। अच्छा, मेरे खिलाफ एक किस्सा था 1996 में, चौटाला साहब मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, रणजीत ने रवि चौटाला खड़ा कर दिया। अच्छा, रवि इसका मतलब है प्रताप सिंह का लड़का, प्रताप सिंह जी के बेटे, उसको खड़ा कर दिया। अच्छा, उसको खड़ा कर दिया तो अब वो वोट काटे तो मैं, चौटाला साहब कैसे 8,000 वोटों से जीते थे उस टाइम। तो वो निर्दलीय खड़ा हो गया था, उसको निर्दलीय खड़ा कर रहा, खड़ा हो गया। फिर तो देवीलाल ने प्रकाश सिंह बादल को कहा कि भाई इनको समझाओ, छोरों को तो देवीलाल इनको समझाते। फिर इन्होंने इकट्ठे करे सबको, जो मेरे सुनने में आया है, हो सकता है वो गलत हो, जो सच्ची बात तो कई बार नहीं आती, झूठे भी आ जाता है, लेकिन मैंने सुना जो है वो मैं आपके कह रहा हूँ। तो देवीलाल ने कहा भाई, इकट्ठे हो गए सारे, सबको कहा भाई आप में सबसे ज़्यादा तगड़ा कौन है? किसी ने कहा भाई जी है, किसी ने कहा ताऊ जी है, मतलब सबका मेन चौटाला साहब के तरफ। सच्ची बात तो वही थी जी। तो कह रवि भाई तू खड़ा होगा तो फिर चौटाला साहब, अरे वो नेहरा है ना, नेहरटा कहते थे आपको, नेहरटा कहते थे। अच्छा, तो वो नेहरटा जी हार गया तो आप लोगों को ठीक रखेगा क्या? आपके साथ ठीक है उसे, खराब करेगा? अरे ये ठीक नहीं। तो फिर सारे इकट्ठे हुए, जैसे अब इकट्ठे हुए अब सारे इकट्ठे मिल के चुनाव लड़े। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊँ आप, 1978 की बात है, जब मैं जिला का प्रेसिडेंट था। अच्छा, तो चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारा एक CID इंस्पेक्टर था। अच्छा, भाटिया जी। तो भाटिया जी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध थे।
तो मैंने कहा भाटिया साहब आप इंस्पेक्टर हो सीआईडी, तो मेरा एक छोटा सा काम तो कर दे, अच्छा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। बोले क्या काम है? मैं कह है तो काम छोटा सा ही लेकिन वैसे ठीक है काम। बोले बताओ। मैंने कहा आप तो देवलाल आते हैं रेस्ट हाउस जाते हो? जहाँ जाता हूँ। कब जाते हो? सुबह सुबह जब वो अखबार पढ़ते तब मैं जाता हूँ। तो चाय मेरे कोई कह देते हैं मैं भी पी लेता हूँ जी, और वो चाय पीते हैं तब मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरा काम एक कर दो आप। बोले क्या? वो आप तो देवलाल से कह देंगे, वो पूछेंगे कि क्या हाल है, तो आप कहोगे सारा ठीक है। वही बात हुई, पूछा हाँ भाई भाटिया कैसे है, ठीक ठाक है? बोले हाँ ठीक है जी। तो और कोई बात? कह जी एक ही बात है जो मैं समझ सकूँ कि यहाँ और सारे ठीक ठाक हैं, कोई विरोध वरोध कोई खास नहीं है। एक जिले का प्रेसिडेंट है, वो वकील भी है जगदीश नेहरा, वो कोई चून चपट से इधर उधर करता है तो इस पर एक केस बना दे अंदर कर देना तो सारी शांत हो गई। अच्छा आपने कहलवा दिया? मैंने, भाटिया जी कह दिया। तो वो ऐसे एनक लगा के पड़ते, एनक छोड़ के फिर उसकी तरफ टेढ़ा देख के, अच्छा तुम उसको लीडर बनाना चाहता है? बिल्कुल देखे हो नाड़ पकड़ ली, नाड़ मतलब जो असली बात थी ना, बात यही मेरे मन में यही था, आपके मन में मैंने जेल कर देंगे तो लीडर ही चमक जाएगी, ऐसे तो ये लीडर ही चमकने नहीं देंगे। तो उसके तो बाद अच्छा उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने मेरे को कुछ कभी नहीं कहा। कारण कभी ये जेल चलिया गया ना तो ये लीडर बन जाए, ये उनके दिमाग में जो देवलाल ने बिठाई उसी अब मेरे को के। लेकिन जो भाटिया जी को कहा, वो भाटिया जी तो अब है नहीं, उनके लड़के उनको पता है कि आप तो, उनको नेता बनाना चाहते हैं। अच्छा उनको नेता बनाना चाहते हैं तू भाटिया, ये बात। दोस्तों ये थे पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा जी, और नेहरा जी से हम कर रहे थे राजनीति की बातें। इन्होंने बहुत खुलकर अपने जीवन के 50-60 साल के राजनीति के अनुभव हमसे बांटे हैं। अगर आपको नेहरा साहब से कोई बात कहनी है या कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट गई हो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। नेहरा साहब समय निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद।